हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति आज के सेशन में हम लोग करेंगे मेंस लेवल मैट्रिक्स मैट्रिक्स बेस्ड पजल पजल ये जो रहेगी आपने काफी ज्यादा बार शायद हो सकता है प्रैक्टिस भी की हो या काफी ज्यादा बार देखी भी हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया हो बट अगर आपने ऐसी कोई पजल कभी नहीं देखी है या कभी नहीं की है तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए बिकॉज मेन्स लेवल में थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं फटाफट से एंड ये क्वेश्चन आपके सामने है आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए ट्रस्ट मी इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा टफ जैसा नहीं है आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो अगर आपने ऐसा कभी क्वेश्चन देखा नहीं भी है ना तो भी आपको आ, इसमें कुछ डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है बट आप पूछोगे मैम ये मीन्स में क्यों आता है तो मीन्स में इसलिए आता है ताकि आप लोग अपनी आ, जो आपका लॉजिक है जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है वो चेक हो सके इसलिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन को डाल ही देता है मीन्स एग्जामिनेशन में तो ये आपके सामने है और इसके फर्दर क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देती हूँ मैट्रिक्स विच कैन प्रोड्यूस सिग्नल्स इन विच इन टर्न हेल्प इन इल्यूमिनेशन ऑफ सम सम्बल्ब्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास फाइव बाई फाइव की मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ऐसा कुछ ऐसा कुछ ये मैट्रिक्स होती है हमारे पास ठीक है फाइव बाय फाइव का मतलब इसमें क्या है फाइव ही कॉलम है और फाइव ही हमारे पास रोज है मैट्रिक्स का मतलब ये ही होता है क्लियर द रोज ऑफ द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय एट द रेट परसेंटेज एंड ये जो साइंस जितने भी दे रखे हैं बॉटम टू टॉप हमें लगाने हैं मतलब जैसे एट द रेट लगेगा फिर परसेंटेज लगेगा फिर एंड लगेगा इस तरीके से सारे साइंस हमें रो वाइज लगा देने हैं जिसको नहीं पता कि रो क्या होती है तो रो हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं जो वर्टिकल होता है ठीक है तो जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने मैट्रिक्स बना लेनी है कैसे बनाओगे फाइव बाय फाइव की मैट्रिक्स देखो यहां से उसने बोला था फ्रॉम द बॉटम हमें शुरू करना एट द रेट से इस तरीके से उसने बोला तो ये हमारी रोज बन गई इसको हम लोग इस तरीके से बना देंगे क्लियर अब हम लोग अपने कॉलम्स भी बना देंगे कॉलम्स भी उसने बोले हैं तो हम लोग फाइव कॉलम्स क्रिएट कर देंगे जैसे ये काउंट करो फाइव रोज है ना उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइव कॉलम्स भी क्रिएट कर देंगे तो आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिए ताकि जो क्वेश्चन हो उसको आप मेरे साथ साथ ही सॉल्व कर लोगे फिर एंड हमारे जो कॉलम्स है ये बनके रेडी हो गए हैं अब हम ये देख लेते हैं कि कॉलम्स में हमें डिनोट क्या करना है कॉलम्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी डी एंड ई तो इसको हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी एंड ई क्लियर समझ में आ गई अब यहां पे देखो उसने सबसे पहले क्या बोला है जो सबसे पहली रो है उसमें कौन से नंबर्स हैं विच आर कंजेकेटिव मल्टीपल ऑफ नाइन स्टार्टिंग फ्रॉम थर्टी सिक्स इसका मतलब ये है कि नाइन से शुरू होके अः नाइन के मल्टीपल्स लेने कंजेकेटिव मतलब लगातार छत्तीस से शुरू करना है और अगर किसी रो में नंबर्स हैं जो कंजेकेटिव मल्टीपल किसी भी नंबर के हैं जैसे इसने एग्जाम्पल दिए हैं फाइव के हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कंजेकेटिव मतलब लगातार फाइव से शुरू हो रहा है तो फाइव से करेंगे ठीक है अगर कुछ भी नहीं बोला अगर उसने सिर्फ इतना ही बोला है इट कंटेन्स मल्टीपल ऑफ फाइव तो आप लोग फाइव से ही शुरू कर देना लेकिन जैसे उसने यहां से बोला ना थर्टी सिक्स से तो आपका पहला नंबर यहाँ पे क्या होगा थर्टी सिक्स होगा थर्टी सिक्स होगा पहला नंबर और फिर उसके आगे नाइन के मल्टीपल्स चलेंगे मतलब थर्टी सिक्स के बाद क्या आता है फोर्टी फाइव नाइन के टेबल में फिर फिफ्टी फोर आता है फिर सिक्सटी थ्री आता है फिर सेवेंटी टू आता है ना नाइन का टेबल पूरा लिख देना है

48, 56, 64. उसके बाद क्या क्या बोल रहा है? है? है. करता के हैं. का पूरा लिख देना से ही शुरू करके, because उसने question में कुछ, कुछ भी नहीं हमें बोला है क्लियर आगे क्या बोला है एट द रेट क्या शो करता है कंजेकेटिव मल्टीपल्स इलेवन का टेबल लिख दो इलेवन से शुरू करके Wait a second. इलेवन ट्वेंटी टू थर्टी थ्री फोर्टी फोर एंड फिफ्टी फाइव इलेवन का टेबल हमने पूरा लिख दिया क्लियर द मैट्रिक्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग सिग्नल्स ऑफ स्ट्रिंग्स देयर आर फोर बल्ब बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वन बल्ब ब्लिंक्स इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स को यूज़ करके ना हमें जैसे कुछ ना कुछ बल्ब को जलाना पड़ेगा जैसे मान लो किसी भी नंबर को हम लोग अगर यूज कर रहे हैं ना तो हमें किसी ना किसी बल्ब को यहाँ पे जलाना पड़ेगा और जैसे ही कोई भी नंबर हम एड ऑन करके जैसे कोई भी हमारे पास डिजिट आती है तो वो बताएगा अगर ये नंबर आ रहा है तो ये बल्ब ब्लिंक होगा ये नंबर आ रहा है तो ये बल्ब ब्लिंक होगा तो हमें बल्ब का ब्लिंक होना किससे बताना है इस मैट्रिक्स से बताना है ठीक है ये आई थिंक लाइन रिपीट हो गई इसको आप कट कर देना कंडीशंस क्या है ब्लिंकिंग की अगर आउटकम जो हमारे पास आता है स्ट्रिंग का वो बिलो 80 है मतलब 80 से कम है दैट मींस 1 टू 79 नंबर्स हैं तो कौन सा बल्ब चमकेगा क्यू चमक जाएगा क्लियर अगर इसका आउटकम 90 से 110 है अगर 90 से 110 का मतलब क्या है 91, 92, 93 जितने भी नंबर्स हैं तो बल्ब एस ब्लिंक करेगा अगर आउटकम स्ट्रिंग का 125 से 150 है तो पी चमक जाएगा अगर 175 से 200 है तो आर चमक जाएगा लेकिन अगर कोई भी कंडीशन फॉलो इसमें से नहीं कर रही है ना तो कोई भी बल्ब ब्लिंक नहीं करेगा क्लियर और हमें आउटकम कैसे देखना है इफ ऑल द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग आर इवन अगर सारे के सारे नंबर स्ट्रिंग के अंदर इवन होंगे तो हमें आउटकम जो ऑब्टेन होगा आउटकम इज यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द टू डिजिट नंबर्स जितने भी हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे ना उसकी जितनी भी यूनिट डिजिट होगी मतलब राइट right साइड वाली डिजिट होगी उसको हमें क्या करना है सबको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा आउटकम होगा फिर इस आउटकम से हम देखेंगे कि कौन सा बल्ब जो है वो ब्लिंक हो रहा है अगर एक प्राइम नंबर एक अनदर प्राइम नंबर से फॉलो हो मतलब फॉलो का मतलब क्या होता है बाद में एक प्राइम नंबर के बाद एक प्राइम नंबर आए तो हमें आउटकम कैसे निकालना है सम ऑफ ऑल द टू डिजिट्स नंबर जो हमारे पास जितने भी नंबर्स आए हैं उनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आउटकम आ जाएगा और ये आउटकम जो है ये बल्ब के ब्लिंक होने से रिलेटेड है अगर एक नंबर प्राइम नंबर प्रिसीड हो परफेक्ट स्क्वायर से स्क्वाड मतलब पहले अगर एक प्राइम नंबर के पहले क्या आए परफेक्ट स्क्वायर आए तो आउटकम जो होगा वो मल्टीप्लाइंग डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स डिजिट कौन सी होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली मतलब फर्स्ट डिजिट तो हमारे पास होती है उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आउटकम आएगा फिर हम देख लेंगे कि कौन सा बल्ब जो है वो ब्लिंक हो रहा है क्लियर कंडीशन हमने पढ़ ली अब क्वेश्चन से समझ में आएगा ये जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन से ही समझ में आते हैं देखो ये जो है ना इसको आप एक एक फैक्टर मान लो मानना क्यों क्योंकि आपके पास एक रो का है एक कॉलम का है एक रो का है एक कॉलम का है तो इस तरीके से आपके पास कितने नंबर आएंगे चार नंबर आएंगे मैं देखना आपको बता दूंगी इसने क्या बोला है इसने ये दो एक सिंबल दिया है और एक बी का कॉलम दिया है हम देख लेते हैं कि इस सिंबल पे और बी के कॉलम पे कौन सा नंबर कॉमन निकल रहा है ट्वेंटी सिक्स कॉमन आ रहा है तो आप क्या लिखोगे ट्वेंटी सिक्स अगला देख लो एंड और ई एंड और ई पे कौन सा कॉमन निकल रहा है ये एंड है और ये ई e है एंड और ई किस पे हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा सिक्सटी फोर आ जाएगा फिर क्या आ रहा है फिर से वही आ गया इस पे और ए पे कौन इंटरसेक्ट कर रहा है थर्टीन तो थर्टीन को लिख देंगे और फिर एट द रेट और डी पे देख लेंगे एट द रेट ऑफ डी पे कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला मतलब एट द रेट पे भी आ रहा है और डी पे भी आ रहा है कौन सा नंबर आ रहा है फोर्टी फोर ये हमारे पास क्या बन गए स्ट्रिंग बन गई हमारी ये हमारी क्या बन गई स्ट्रिंग बन गई और इसी स्ट्रिंग से हमें क्या देखनी है ये वाली कंडीशन से आउटकम निकालना है ये दिया ना आउटकम ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग की कंडीशंस दी गई हैं इनको यूज करके हमें आउटकम निकालना है पहली कंडीशन क्या थी इफ ऑल द नंबर्स आर इवन क्या सारे के सारे नंबर्स इसमें इवन है नहीं है ये और आ गया मतलब पहली कंडीशन फॉलो नहीं करेगी अगला देखो से अगर एक प्राइम नंबर एक दूसरे प्राइम नंबर को फॉलो कर रहा है क्या थर्टीन जो है वो एक प्राइम नंबर है यस yes. क्या जो इसको फॉलो कर रहा है फोर्टी फोर इज दट अ प्राइम नंबर नहीं है तो सेकेंड कंडीशन भी फॉलो नहीं करेगी इफ अ प्राइम नंबर इज प्रिस अ परफेक्ट स्क्वायर मतलब प्राइम नंबर से पहले क्या आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर मतलब और जैसे टू का फोर होता है थ्री का नाइन होता है इस हिसाब से प्राइम नंबर हमारे पास है क्या इससे पहले सिक्सटी फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर यस एट का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है सिक्सटी फोर मतलब इज बाय परफेक्ट स्क्वायर तो हमारी कंडीशन कौन सी फॉलो हुई थर्ड कंडीशन और थर्ड कंडीशन फॉलो होगी तो हमारा आउटकम कैसे निकलेगा ऑपटेन बाय मल्टीप्लाइंग प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स टेंथ प्लेस मतलब टू ट इंट सिक्स इंटू वन इंटू फोर करके हमारा आउटकम आएगा अगर मैं टू इंटू सिक्स इंटू वन इंटू फोर करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेल्व फोर जार ट्वेल्व फोर जार फोर्टी एट फोर्टी एट हमारे पास आउटकम आया अब ये जो हमारे पास आउटकम आया ना इससे हम देखेंगे कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा अब देखो इसने बोला था अगर आउटकम जो है एट्टी से कम होगा तो ब्लिंक करेगा हमारे पास नंबर कौन सा आया फोर्टी एट क्या ये एट्टी से कम है एट्टी से कम है मतलब हमारा कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा क्यू बल्ब ब्लिंक करेगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर समझ में आया कुछ कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा अब देखो क्या बोला है इसने इफ एक्स इक्वल्स टू ये है तो हमें बताना है कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा सबसे पहले आपको क्या करना है इसको कर लेना हमारे पास चार नंबर आएंगे सबसे पहले इसको देखो इस पे और c पे और कौन सा नंबर कॉमन निकल रहा है फिफ्टी फोर तो पहला नंबर हमारे पास आ गया फिफ्टी फोर एट द रेट और डी पे कौन सा कॉमन निकल रहा है ये एट द रेट वाली लाइन है ये डी वाली लाइन है इन दोनों में कौन सा इंटरसेक्ट करेगा फोर्टी फोर तो सॉरी फॉर दिस तो हम लोग क्या करेंगे 44 हमारा second number आ जाएगा। फिर एट द रेट और बी है इस तो पर देख लेते हैं एट द रेट हमारे पास, पास यहाँ पे है और बी हमारे पास यहाँ पे है दोनों का कौन सा कॉमन नंबर निकलेगा ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लियर अब हमें क्या चेक करनी है कंडीशन चेक करनी है जिसमें उसने पहली कंडीशन में क्या बोला इफ ऑल द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग इज एन इवन नंबर क्या इस स्ट्रिंग के सारे नंबर इवन नंबर है सारे के सारे इवन नंबर है मतलब पहली कंडीशन ही फॉलो हो जाएगी क्लियर क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइम नंबर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा मतलब सेकंड और थर्ड कंडीशन तो फॉलो होगी नहीं इवन नंबर है तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी उस केस में हमारा आउटकम कैसे निकलेगा बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स यूनिट डिजिट मतलब फोर फोर सिक्स और टू हमें क्या करना है फोर इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू टू यूनिट डिजिट कौन सी होती है राइट साइड वाली डिजिट तो फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू थर्टी टू इंटू सिक्स कितना हो जाएगा थर्टी टू इंटू सिक्स कितना हो जाएगा ये वन नाइनटी टू वन नाइन्टी टू हो जाएगा हमारे पास आउटकम क्या आ गया वन नाइन्टी टू आ गया अब हमें क्या देखना है कि कौन सा बल्ब हमारे पास यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है उसके लिए हमें बल्ब की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी वन नाइनटी टू का अगर आप देखोगे तो एट्टी से कम तो नहीं है ना ही हंड्रेड और हंड्रेड एंड टेन और नाइन्टी के बीच में आ रहा है ना ही वन ट्वेंटी फाइव और वन फिफ्टी के बीच में आ रहा है वन सेवेंटी फाइव और टू हंड्रेड के बीच में जरूर आ रहा है मतलब कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा बल्ब आर तो बल्ब आर ब्लिंक करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे दो हमने क्वेश्चंस कर लिए इस सीरीज के दो क्वेश्चंस ही थे मेरे पास अवेलेबल अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देती हूँ वो आपको करना है और मुझे बताना है कि कौन सा बल्ब जो है वो ब्लिंक करेगा क्लियर तो हम लोग इसको यहीं से बना लेते हैं आपके पास ऐसा कुछ आएगा एंड पहली स्ट्रिंग आपके पास ये है ठीक है पहला क्वेश्चन आपके पास ये है और दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है जो मैं बना रही हूं अभी तो ये दो स्ट्रिंग्स है आपके पास आप मुझे बताओगे इन दोनों स्ट्रिंग्स में कौन कौन से बल्ब जो है वो ब्लिंक करेंगे करेगा भी या नहीं भी करेगा वो भी आपको चेक करना है एंड आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द कॉमेंट सेक्शन एंड हाँ अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक ही क्वेश्चन में दिया है ये स्ट्रिंग वन भी दी है और स्ट्रिंग टू भी दी है और वो बोलेगा कि अगर x प्लस वाई मतलब अगर स्ट्रिंग वन का आउटकम और स्ट्रिंग टू का आउटकम हमें जोड़ दिया जाए तो बताओ कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा ऐसा भी आ सकता है मान लो ये जो दो क्वेश्चन थे ये एक ही क्वेश्चन होता तो मैंने पहली जो स्ट्रिंग है उसका आउटकम निकाला 48 और दूसरी स्ट्रिंग का मैंने आउटकम निकाला 192 है ना अगर वो बोल दे कि दोनों स्ट्रिंग का आउटकम जो है वो आप एड कर दो एड तो करने पर कितना आ जाएगा टू फिफ्टी तो बताओ कि कौन सी कौन सा बल्ब जो है वो ब्लिंक करेगा फिर आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन जो है फॉलो नहीं हो रही मतलब कोई भी बल्ब जो है वो ब्लिंक नहीं करेगा तो आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत ईजी होंगे जस्ट अगर आपने आउटकम निकाल लिया तो हर एक क्वेश्चन जो है वो ईजिली हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको मुझे इन दो क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई देना है कॉमेंट सेक्शन में इन दोनों का अलग से भी देना कि कौन सा बल्ब ब्लिंक करेगा और इन दोनों का एड करके भी देना अगर मैं दोनों स्ट्रिंग का आउटकम ऐड कर दूँ तो कौन सा बल्ब जो है वो ब्लिंक करेगा क्लियर ये आपका होमवर्क है यू आर गोइंग टू डू इट वेरी नाइसली आई नो दैट सो स्टेट यून फॉर मोर सेशन गुड लक एंड स्टे हैप्पी